क्वेश्चन नंबर टू इज, कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली. वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन. सो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि कमला ने लोन लिया है बैंक में से, और वो कितना रेट है, कितने रेट पे लिया है, दैट इज़ 15% पर एनम. नाउ अभी 2 साल और 4 महीने के बाद उसको लोन क्लियर करने के लिए कितने पैसे बैंक को पे करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे कितना अमाउंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 26,400. सो यहाँ पे हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं. सबसे पहले पी इक्वल्स टू रुपीज़ 26,400. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 15%. नाउ यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, कितने साल के बाद, 2 years and 4 months. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे एंड लेटर ऑन जो 4 months है वो 4 months का सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करेंगे. बिकॉज इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था कि जब भी पीछे के कुछ महीनों का पूछा जाता है तो वो केस में हम वो महीनों का सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट पे भी गिवन है, फाइंड ए फॉर 2 years विथ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड ईयर अमाउंट फॉर 4/12 years. सो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे. सो सबसे पहले हम 2 साल का फाइंड आउट कर लेंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एंड यहाँ पे टाइम है. टाइम पहले हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू हो जाएगा 2 years. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर एन. पी 26,400 ब्रैकेट 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 एंड रेज टू द पावर 2. नाउ यहाँ पे 26,400 एज इट इज़. नाउ यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 100. यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को + 15 एज इट इज रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू अगेन 26,400 एज इट इज. नाउ 100 + 15 सो हो जाएगा हमारा 115/100 रेज टू द पावर 2. नाउ दिस मींस इसका पावर 2 है, दैट मींस कि इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 26,400 × 115/100 × 115/100. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट तो ये डबल डबल क्रॉस हो जाएगा. नाउ यहाँ पे 20 × 5 हो जाएगा 100. सो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी कट हो जाएगा. यहाँ पे 5 से कट हुआ तो यहाँ पे भी हम 5 से कट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 23 × 5 = हो जाएगा हमारा 115. नाउ यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 = 20. यहाँ अगेन क्या करेंगे, 23 × 5 = 115. नाउ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 264 है, तो 4 से ये कट हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66 × 4 = 264. सो यहाँ पे हो गया 66. सो नाउ वी हैव अल्टीमेटली 66 × 23 × 23. डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है. सो इसका हमें आंसर मिल जाएगा ₹34,914. सो दैट मींस कि हमारी अमाउंट कितनी हो गई, 34,914. नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे.
सो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 4 4 मंथ्स। ओके, अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट में हमें ये जो अमाउंट मिला वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। सो यहाँ पे 3,4,9,1,4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। सो यहाँ पे 15% इंटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 4/12, बिकॉज वो हमें हिंट में गिवन है 4 मंथ्स है, और 4 मंथ्स किस में से? 12 मंथ्स में से। 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, सो अपॉन में हो जाएगा 12 मंथ्स, और यहाँ पे 100, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 50। सो यहाँ पे कट हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है ऊपर? 3,4,9,1,4 इंटू 5। सो उसका हमें आंसर मिल जाएगा 1,7,4,5,7,0/100। नाउ यहाँ पे अपॉन 100 है, सो 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। सो लास्ट में से 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट रखेंगे, सो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1,7,4,5.70। सो यहाँ पे कितना हुआ? ₹1,745.70। सो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नाउ हम क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल अमाउंट। सो हियर वी राइट डाउन टोटल अमाउंट इक्वल्स टू ₹34,914 प्लस 1,745.70। सो यहाँ पे इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा फाइनल आंसर 36,659.70 रुपीज़। सो दैट मीन्स कि द सम ऑफ 34,914 प्लस 1,745.70 इक्वल्स टू 36,659.70 रुपीज़। सो इन लास्ट वी राइट डाउन दस कमला विल हैव टू पे रुपीज 36,659.70 टू क्लियर द लोन। क्वेश्चन नंबर 3 इज फमीना बोरोस रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, एंड राधा बोरोस द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? सो हियर इन द क्वेश्चन टू girls Hamina and Radha, this both girls borrow some amount as a on the simple interest and on a compound interest. So basically we have to find out ki who pays more interest according to the simple interest and compound interest. So hum kya karenge दोनों के केस में? हम सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे। तो इन द केस ऑफ पबीना शी बोरोस ₹12,500 फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट अ सिंपल इंटरेस्ट। सो हियर वी राइट डाउन फॉर फबीना। सो फबीना ने किस पे लिया है? सिंपल इंटरेस्ट पे। सो हियर वी फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट इज
12,500. Rate of interest equals to 12% and time t equals to 3 years. Now the formula of simple interest equals to principal into rate of interest into time upon 100. Now principal amount is 12,500 into 12 into 3 upon 100. Now this 20 and this 20 are cancelled. So here we have 125 into 12 into 3. So we know 12 threes are 36. So ultimately we have to check 125 into 36. So 125 into 36. So 0, 5 into 3, 15, 1, 3 2s are 6 and 1, 7, 3 1s are 3, 30, 6 into 5, 30, here number 3, 6 2s are 12, 12 and 13, 12, 6 2s are 12, 13, 14, 15, 5 here, 1, 6 1s are 1, 1, 6 1s are 6, 6 and 1, 7, so 0, 5 plus 5, 10, 0, here 1, 7 plus 7, 14, 14 plus 1, 15, and here 1. So here the amount is rupees 4,500. So the simple interest for Fabina, that is rupees 4,500. Now let's check for the Radha. So this is for the Fabina. Now for Radha, in the case of Radha, we have to calculate the compound interest. So, the principal amount is rupees 12,500. Rate of interest hai, yahan pe 12% tha. In the case of Radha, rate of interest is 10%. And time t is 3 years. So, therefore, n equals to 3. Now, write down the equation. E equals to P in bracket 1 plus R upon 100 raised to the power N. Now put the value P. So here 12,500 in bracket 1 plus R equals to 10 upon 100 raised to the power 3. Now here 12,500 as it is. Now we need to take LCM. The LCM yahan pe kitna ho jayega? 100 ho jayega. So yahan pe ho jayega denominator mein 100. Now 100 into 1 equals to 100 plus 10 as it is raised to the power 3. Now 12,500 100 plus 10. 110 upon 100 raised to the power 3. Now यहाँ पे power है 3, so that means कि ये जो पूरा bracket है वो हम तीन बार multiply करेंगे. तो कैसे हो जाएगा 12,500 into 110 upon 100 one time into 110 upon 100 two time into 110 upon 100. This is for the third and last time. So, यहाँ पे 00 cross हो गया, 00 cross हो गया, 00 cross हो गया, यहाँ से 00 cross हो गया. Now, यहाँ पे 5 2s are 10 and 5 into 25 equals to 125. So, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? Numerator में we have 25 into 11 into 11 into 11 and denominator mein we have number 2. So 25 into 11 upon 2. So iska simplification karenge. So yahan pe ho jayega 3 3 2 7 5 upon
2, because 25 into 11 into 11 into 11 upon 2. So here we get 33275 upon 2. So यहाँ पे हम देख लेते हैं 33275 डिवाइड बाई 2. 2 वन 2, रिमाइंडर इज 1. देन 3 को नीचे लाएंगे. नाउ 2 इंटू 6 12, रिमाइंडर इज 1. नाउ अगेन 2 को नीचे लाते हैं, यहाँ पे है वी हैव 12. सो अगेन 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12. नाउ अभी क्या है, दूसरा नंबर है नंबर 7. सो यहाँ पे 7 आ जाएगा. सो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, रिमाइंडर हो जाएगा 1. एंड लास्ट में है वी हैव 5. नाउ हियर वी हैव नंबर 15. सो 2 से कौन सा मल्टीपल है जो बिल्कुल नज़दीक है 15 से? सो 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14, रिमाइंडर इज 1. सो यहाँ पे हम पॉइंट रख के 0 लाएंगे. सो 2 5 ज़ा 10. सो यहाँ पे हो गया 0. सो दैट मीन्स कि वी गेट दी आंसर 16637.5. सो हियर वी गेट दी आंसर 16637.5. सो एंड लास्ट एक ही डिजिट है 5. सो 5 के बाद अब एक 0 ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज द आंसर, दिस इज द अमाउंट. नाउ बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट हमारा कितना है? रुपीज 16637.50 माइनस प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 12,500. सो यहाँ पे हो जाएगा 12,500. सो इसका हम आंसर मिलेगा व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 12,500 फ्रॉम 16637.50. सो वी गेट द आंसर रुपीज 4137.50. सो यहाँ पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, दैट इज रुपीज 4137.50. नाउ यहाँ पे कितना मिला हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा इतना, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था? 4500. सो दैट मीन्स कि कौन सा ज़्यादा है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट किसका था? फबीना का. सो फबीना का सिंपल इंटरेस्ट है, दैट इज ग्रेटर. सो हियर वी राइट डाउन फबीना हैज टू पे रुपीज 4500 as interest and Radha has to pay rupees 4137.50 as interest. Okay, now किसका ज़्यादा है? फबीना का. सो देयरफॉर फबीना हैज टू पे मोर इंटरेस्ट. सो कितना ज़्यादा होगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी राइट डाउन डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फबीना, क्योंकि फबीना का ज्यादा है तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फबीना माइनस राधा. ओके, सो फबीना का कितना था? फबीना का रुपीज 4500 माइनस राधा का कितना था? रुपीज 4137.50. सो हमको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा 362.50 rupees. So that means ki Fabina has to pay rupees 362.50 more. So in last we write down, thus
हैज टू पे रुपीज 362.50 मोर देन राधा एज इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 4 इज आई बोरोड 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे. सो यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट है वो जमशेद से बोरो किया है ऑन सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. सो हियर इन द बोथ केस मुझे किस पे ज़्यादा अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा और वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मुझे फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे हम दोनों के केस में मुझे क्या करना है दोनों इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फर्स्टली वी फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट. सो हियर वी राइट डाउन फॉर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 12,000 देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड टाइम टी इज फॉर 2 years. नाउ राइट डाउन द इक्वेशन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. नाउ पुट द वैल्यूज पी इक्वल्स टू 12,000 into R equals to 6 into T equals to 2 years upon 100. So 0000 cross. So we have 120 into 6 twos are 12. Okay. So we know what is the square of 12. Square of 12 equals to 12 into 12 equals to 144. And here is the 10. So we add 10 in last. So यहाँ पे हमारा हो गया जो simple interest था that is rupees 1,440. Now यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कभी भी multiplication में कोई zero होता है दोनों number के case में एक में zero है या दोनों में last में zero है तो मैं वो zero को consider नहीं करूँगी और बाकी के zero को निकाल के उसके अलावा जो digit बचती हैं हमारे पास उसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी और जितने ज़ीरो निकाल दिए हैं वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे. तो इससे क्या हो जाएगा हमारा नंबर है वो छोटा हो जाएगा और हमें मल्टीप्लिकेशन में इजी होगी सिंपल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट्स काउंट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो हियर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम अगेन रुपीज 12,000. नाउ rate of interest is 6% and time t equals to 2 years. Now time t equals to 2 years therefore n equals to 2. Okay, itna hamara ho gaya. Now ab hum kya karenge hamara jo formula hai formula compound interest ke pehle jo hum amount find out karte hain uska formula bhi write likh lenge sabse pehle. So amount equals to p in bracket 1 plus r upon 100 raised to the power 2. Now principal amount kitna hai 12,000 in bracket 1 plus r 6 upon 100 raised to the power 2. Now 12,000 क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे. सो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 100 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 100 प्लस योर 6 एज इट इज रेज टू द पावर 2. नाउ अगेन 12,000 एज इट इज 100 प्लस 6 सो 106 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2. दिस मीन्स ये नंबर का पावर 2 है दैट मीन्स कि ये नंबर को क्या करेंगे हम यही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा
12,000 into 106 upon 100 into 106 upon 100. सी यहाँ पे हम स्क्वायर इन द चैप्टर ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमको पता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर है तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा वो नंबर को वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे वही चीज़ है तो हमने क्या किया ये नंबर को यही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 00 00 क्रॉस हो गया यहाँ से 10 10 क्रॉस हो गया. सो व्हाट वी हैव रिमेनिंग इन द न्यूमरेटर वी हैव 12 into 106 into 106 and in denominator we have number 10. So हम 12 into 106 into 106 करेंगे so हमें आंसर मिलेगा 1 3 4 8 3 2 upon 10. ओके ये हो गया हमारा आंसर ये मल्टीप्लीकेशन का. नाउ अभी हमारे पास नीचे क्या है 10 है 10 में कितना जीरो है एक जीरो है दैट मीन्स कि हमारे नंबर में से लास्ट में एक डिजिट से पहले हम क्या करेंगे पॉइंट रख देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा रुपीज़ 13483 और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट टू. नाउ टू के बाद कुछ नहीं है सो हम क्या करेंगे एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे. सो यहाँ पे हमें अमाउंट मिल गया 13483.20. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट हमें कितना मिला अमाउंट हमारा हो गया रुपीज़ 13483.20 माइनस हमारा प्रिंसिपल कितना था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 12,000. सो यहाँ पे हम करेंगे माइनस 12,000. सो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा रुपीज़ 1483.20. ओके सो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ कंपेयर ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था हमें रुपीज़ 1440. सो दैट मीन्स कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें मिला ज़्यादा. तो अब हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हियर वी राइट डाउन देयरफॉर एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. सो इक्वल्स टू हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है रुपीज़ 1483.20 माइनस हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा सिंपल इंटरेस्ट था 1440. सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1440. सो हियर हमको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा रुपीज़ 43.20. सो दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 43.20 रुपीज. सो इन लास्ट वी राइट डाउन दस आई हैव टू पे रुपीज़ 43.20 एज एक्स्ट्रा अमाउंट. Question number 5 is Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? So, यहाँ पे वसुदेव ने क्या किया है? वसुदेवन ने 16,000 है, 60,000 है, वो क्या किया है? Invest किया है at rate 12%. सो यहाँ पे हमको ये केस में 6 महीने और 1 साल के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा अमाउंट दैट वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हाफ ईयरली है. सो उसके बेसिस पर से हमारा जो फॉर्मूला है उसमें एंड क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं 6 मंथ के लिए. सो इन द केस ऑफ 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ
प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में क्या है, सेम है, ₹60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली के केस में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के केस में साल में दो बार करना पड़ेगा, सो इसको भी हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6%। तो फर्स्ट 6 मंथ का 6% और लास्ट के 6 मंथ का 6%। नाउ यहाँ पे टी है, टी इक्वल्स टू 6 मंथ, देयरफॉर एन कितना हो जाएगा, सी हियर एन कितना है, हाफ ईयरली है, सो एन कितना हो जाएगा, हाफ मंथ का, हाफ मंथ का, तो हाफ मंथ का हो जाएगा, सॉरी हाफ ईयर का, हाफ ईयर का, तो हाफ ईयर कितना होता है, 6 मंथ। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 मंथ का एक बार और दूसरे 6 मंथ का दूसरी बार। सो यहाँ पे एन इक्वल्स टू, यहाँ पे एक बार का ही लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। नाउ यहाँ पे पुट द फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर एन। ओके नाउ यहाँ पे इसको इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पे पी कितना है, 60,000, 1 + R/100 पावर इज 1। 60,000 एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 100, 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 100 प्लस 6 पावर 1। 60,000 एज इट इज, 100 प्लस 6 इक्वल्स टू 106/100। ओके सो यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 है तो दैट मीन्स किसको एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, सो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 इंटू 106/100। सो यहाँ पे 0000 क्रॉस हो गया, सो यहाँ पे क्या हो गया, 1600 इंटू 106। सो इसका आंसर हो जाएगा ₹63,600। नाउ ये क्या है, हमारा अमाउंट हो गया। नाउ आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, बिकॉज हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, सो वी हैव टू फाइंड आउट दी ओनली अमाउंट, कितना अमाउंट उसको मिलेगा वही हमको देखना है। सो यहाँ पे हमारा अमाउंट हो गया। नाउ लेट्स कम टू दी आफ्टर 1 ईयर। सो आफ्टर 1 ईयर के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आफ्टर 1 ईयर, केस नंबर 2। सो यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर के केस में हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 12/2, सो इक्वल्स टू हो जाएगा 6%। नाउ टाइम टी है, यहाँ पे भी हमने क्यों ऐसा किया, अभी आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 1 ईयर के लिए है, बट 1 ईयर के लिए है बट उसके पहले हमने 6 महीने का तो ऑलरेडी ले लिया है, तो अभी हमें बाकी के 6 महीने का ही फाइंड आउट करना है, सो दैट इज वाई यहाँ पे हो गया 12/2 इक्वल्स टू 6%। नाउ टाइम कितना है, आफ्टर 1 ईयर, सो देयर फोर यहाँ पे एन की इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 × 2, सो 1 × 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 क्यों है, बिकॉज दो बार कलेक्ट करना है साल में, 6 महीने का और दूसरे 6 महीने का, तो एक साल में कितने बार हुआ, 2 बार, सो यहाँ पे हो जाएगा एन इक्वल्स टू 2। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 + R/100। नाउ हियर पी इक्वल्स टू 60,000, 1 + R/100 रेज टू द पावर 2। नाउ 60,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 6/100, ये क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। नाउ 60,000 एज इट इज, नाउ 100 + 6 इक्वल्स टू 106/100 रेज टू द पावर 2। नाउ इसका मीनिंग क्या है,
पावर टू का मीनिंग ये पूरा ब्रैकेट है वो दो बार आएगा, दो बार हमें मल्टीप्लाई करना है. सो दो बार मीन्स 106 इंटू अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100. सो यहाँ पे पहले 60,000 एज इट इज 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100. नाउ 00000000. सो नाउ हियर वी हैव ओनली 6. न्यूमिरेटर में हमारे पास 6 है, 6 इंटू 106 इंटू 106, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. सो इसका आंसर हो जाएगा ₹67,416. ओके, 67416. सो यहाँ पे 1 ईयर के बाद अमाउंट हो गया इतना, और आफ्टर 6 मंथ अमाउंट हो गया इतना. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें लिखना है देयरफॉर वसुदेवन विल गेट रुपीज 63,600 आफ्टर 6 मंथ्स एंड रुपीज 67,416 आफ्टर 1 ईयर. सो यहाँ पे ये कितने टाइम का था? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वाला था आफ्टर 6 मंथ, ये फर्स्ट वाला था आफ्टर 6 मंथ्स. सो दैट मीन्स कि आफ्टर 6 मंथ वसुदेवन को कितना मिलेगा? इतना अमाउंट. एंड आफ्टर 1 ईयर, दिस इज फॉर आफ्टर 1 ईयर. सो आफ्टर 1 ईयर वसुदेवन विल गेट दिस मच अमाउंट. सो दैट इज द थिंग वी रिटन इट इन लास्ट. सो देयरफॉर वसुदेवन विल गेट रुपीज 63,600 आफ्टर 6 मंथ्स एंड रुपीज 67,416 आफ्टर 1 ईयर. Question number 6 is, Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually or compounded half yearly. So, yahan pe humko basically Arif ne loan liya hai. नाउ अभी बैंक में से उसने लोन लिया है 10% इंटरेस्ट में, और कितने टाइम के लिए? फॉर हाफ, 1.5 ईयर. तो ये केस में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एनुअली एंड हाफ ईयरली. तो दोनों के केस में किस केस में ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा? सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एनुअली एंड हाफ ईयरली. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वन है, दैट इज फॉर एनुअली. सो वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 80,000. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. एंड टाइम टी, यहाँ पे टाइम टी है 1.5 ईयर. ओके, सो यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा हो सो हम क्या करेंगे? 1.5 ईयर, दैट मीन्स कि 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स. सो क्या करेंगे हम? इनिशियल 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और पीछे के जो 6 महीने हैं उसका हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा. सो फॉर द फर्स्ट ईयर एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1. सो राइट डाउन द फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन. नाउ प्रिंसिपल इज 80,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% अपॉन 100
रेस टू द पावर एन, एन कितना है 1, बिकॉज हम कितने फर्स्ट 1 ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1. नाउ 80,000 एज इट इज. नाउ हियर वी नीड टू टेक एलसीएम, तो एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा. सो हियर 100, 100 इंटू 1, 100 प्लस 10, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1. नाउ 80,000, 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 110 अपॉन 100 रेज टू द पावर 1. नाउ यहाँ पे पावर 1 है, दैट मीन्स कि ये ब्रैकेट कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80,000 इंटू 110 अपॉन 100. सो यहाँ पे दो ज़ीरो, दो ज़ीरो मैं यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ. सो यहाँ पे 11 इंटू 8, सो 11 इंटू 8 इक्वल्स टू 88. अभी ज़ीरो कितने हैं, 1, 2 एंड 3. तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 1, 2, 3 ज़ीरो ऐड करेंगे. सो यहाँ पे हमें कितना मिला, रुपीज़ 88,000. सो ये क्या हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर. नाउ अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट. सो हियर 6 months सिंपल इंटरेस्ट. सो 6 month का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के केस में एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन, एन मीन्स की टाइम. यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे तो टाइम ही होता है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 month. तो 6 month को हम लिख सकते हैं हाफ ईयर. सो यहाँ पे टी इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ईयर, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा रुपीज 88,000. सो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. अभी हमारा फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. सो पी क्या हो जाएगी हमारी 88,000. सो यहाँ पे हो गया 88,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वही एज इट इज 10 रहेगा. नाउ टी, टी कितना है 1/2. सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में और क्या है 100. सो इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100. नाउ 00, 00 क्रॉस हो जाएगा. नाउ 2, 5 ज़ा 10. सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 880 इंटू 5. सो यहाँ पे 880 इंटू 5. सो 0 एज इट इज 8 इंटू 5. 8 5 ज़ा 40, 0 4, 8 5 ज़ा 40, 40 plus 4, 44. सो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिल गया, 4400. सो दैट मीन्स कि हमारा इंटरेस्ट आफ्टर 6 month कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आफ्टर 6 month इक्वल्स टू ₹4400. ओके, नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं दस अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 8800. प्रिंसिपल यहाँ पे हमने ये वाला लिया है, बिकॉज हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया था, यहाँ पे हमने आफ्टर 1 ईयर हमारा जो अमाउंट था वो हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल. सो यहाँ पे हमने ले लिया प्रिंसिपल अमाउंट 8800000 प्लस इंटरेस्ट हमें कितना मिला, इंटरेस्ट हमें मिला 4400. सो प्लस 4400, सो इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा ₹92,400. ओके, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है. अमाउंट इक्वल्स टू, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, जो हमारा यहाँ पे अमाउंट नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. बट यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया. सो देयरफॉर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मुझे इंटरेस्ट मिला, बट हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर.
तो वो हम अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारा जो प्रिंसिपल था, तो यहाँ पे प्रिंसिपल था उसमें हमें जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड कर लेंगे। सो दैट मीन्स कि ये हमारी टोटल अमाउंट हो गई आफ्टर द एंड ऑफ 1.5 ईयर। सो ये हमारा क्या हो गया, एनुअली का कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम देखते हैं हाफ ईयरली का। सो लेट्स चेक फॉर दी हाफ ईयरली। सो हाफ ईयरली का सेक्शन नंबर 2 है। सो यहाँ पे हाफ ईयरली है। सो प्रिंसिपल कितना होगा, 80,000 एज इट इज। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। अभी हमें क्या करना है, हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है। तो हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 5। नाउ टाइम टी। सो यहाँ पे टाइम टी है 1.5 ईयर्स। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1, 2, 2 plus 1 3। सो ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। नाउ अभी हमको पता है कि हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ हाफ ईयरली जो हमारा एन होगा। सो एन क्या होगा, यहाँ पे जो टी है वो एन होगा। तो एन को हम हाफ ईयरली के केस में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हाफ ईयरली तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ कितनी बार हुआ, 2 बार हमने काउंट किया, 6 6 महीने का, 1 बार 6 महीने का, 1 बार 6 महीने का, तो टोटल 2 बार हुआ। तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3/2 into 2, सो 2 2 कैंसल हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा नंबर 3। ओके नाउ लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। सो ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 plus R/100 रेज टू द पावर एन। नाउ प्रिंसिपल कितना है, 80,000 एज इट इज, ब्रैकेट 1 प्लस रेशियो कितना है, 5%। सो 5/100 रेज टू द पावर एन, एन कितना है, 3। नाउ हियर 80,000, यहाँ पे एलसीएम 100 हो जाएगा। सो 100 100 into 1 100 plus 5, पावर इज 3। नाउ 80,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर मुझे लिखना है 100 plus 5, सो वो हो जाएगा हमारा 105/100 रेज टू द पावर 3। सो दैट मीन्स कि 105/100 हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पावर हमारे पास कितना है, 3। सो यहाँ पे हो जाएगा 80,000 into 105/100 into 105/100 into 105/100। ओके अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्रॉस करने में 20 क्या हो जाएगा, 20 5 ज़ा 100 और 21 5 ज़ा 105। यहाँ पे भी 20 5 ज़ा 100, 21 5 ज़ा 105, यहाँ पे भी 25 ज़ा 100, 21 5 ज़ा 105। नाउ यहाँ पे ये ज़ीरो क्रॉस हो गया, अगेन ये ज़ीरो क्रॉस हो गया। ओके सो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, इन लास्ट 1 0 1 0। सो नाउ व्हाट वी हैव 2। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8। सो लास्ट में 0 ऐड कर दिया, अगेन 2 है, सो यहाँ से 2 2 ज़ा 4। सो दैट मीन्स कि 20 into 2 40। नाउ अगेन 2 है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, 2 into 10 equals to 20। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, अल्टीमेटली हियर वी हैव 10 into 21 into 21 into 21। सो इसका मल्टीप्लीकेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा ₹92,610। ओके सो दिस इज द अमाउंट। नाउ दिस इज द अकॉर्डिंग टू द हाफ ईयरली। सो दिस इज
the amount according to the half yearly. So ये हो गई हमारी half yearly की amount और this is our yearly amount. Now basically we have to count the difference. तो यहाँ पे कौन सी amount है वो ज़्यादा है, ये half yearly वाली amount है वो ज़्यादा है. So here we write down difference equals to rupees, कौन सा ज़्यादा है, this one. So यहाँ पे हो जाएगा 92610 minus 92400. So equals to हमारा हो जाएगा rupees 210. So that means कि difference कितना हो जाएगा 210. So that means कि Arif has to pay rupees 210 more in the case of half yearly. Okay, so this was the about the question number 6.